मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर वाइफ। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे किस लिए? ना आज मदर्स डे, ना टीचर्स डे, ना वाइफ डे, ना विमेंस डे, तो ये हैप्पी रिटर्न किसके लिए? मुझको पता था कि तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारा पति ये फूल पत्तों वाला बुके क्यों लेके आया। पकाओ मत पति, वरना फूलों से कांटे चुन चुन के मरूंगी। कम ऑन सिमिना, डोंट गेट एक्साइटेड। वो क्या है कि आज अमावस की रात थी, तो मैंने समझा कि तुम्हारे को फूल देके तुम्हें कांग्रेचुलेट कर दूं। अमावस राइट? अमावस राइट, राइट, अमावस इज राइट। मुझे पता है ये सब नाटक तुम किसके लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहा हूं? वो 1 करोड़ के हीरे के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। क्या बात कर रही हो सिमी, ऐसा मत बोलो यार, तुमने तो मुझे 10-12 हार्ट अटैक साथ में दे दिए। आई डोंट केयर। तुम जानती हो सिमी, अगर वो हीरा हमको मिल जाए, आई डोंट केयर, तो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हट जाएगी। आई डोंट केयर। इस घर में सुख और शांति होगी, तुम ऐसा नहीं चाहती? आई डोंट केयर। कम ऑन रे सिमी, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। माफ करना तुम्हें अब मुझे गवारा नहीं। बेवकूफ होता है वो लड़का जो कवारा नहीं। ये कैसा अजीब और गरीब शेर था। एनीवे, बीवी ने बोला तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। वाह वाह, हेंसी भाई साहब, हेंसी भाई साहब, मैं ना आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। आप सुनोगे ना उछल पड़ोगे। क्या बात कर रहा है, मतलब डॉल मायके जाने के लिए तैयार हो गई? इतनी बड़ी भी खुशखबरी नहीं है, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या? विलायत से ना प्रेम चाचा जी आ रहे हैं। ये कोई खुशखबरी है? ओए आजकल मेहमान भगवान नहीं शैतान होते हैं, घर की बर्बादी करके जाते हैं। ना ना, बर्बादी नहीं, वो तो आबादी करने आ रहे हैं। ओए तू जंतर मंतर में पैदा हुआ था? जी क्यों? तो फिर घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा, सीधा बोलना। सीधी बात ये कि प्रेम चाचा जी 1 करोड़ रुपए का हीरा लेके आ रहे हैं। बस इतनी सी बात ही, प्रेम चाचा जी 1 करोड़ रुपए का हीरा लेके आ रहे हैं। प्रेम चाचा जी 1 करोड़ रुपए का हीरा लेके आ रहे हैं। अब आपने मेरी कीमत डाली। हीरा की कीमत 1 करोड़ का हीरा? हाँ जी पाजी, उन्होंने ना चिट्ठी में लिखा है कि ना मैं ना उसी परिवार को 1 करोड़ का हीरा दूंगा जिस परिवार में ना प्यार के झरने बहते हो, संस्कारों के पौधे और खुशियों के फूल उगते हो। बल्लू, हमारे घर में तो ऐसे फूल पौधे उगते ही नहीं, पर मैं इसका मतलब समझ गई। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे खानदान को 1 करोड़ का हीरा क्या, कोई 1 रुपए का कोयला भी नहीं देगा ना जी। जब मुंह खोलते साबित कर देते बिहारी लाल की बेटी है। ये तो मेरे बाबूजी का नाम है। हाँ तो कोयले की खान थी ना उनकी, कभी मेरी किस्मत में कोयला पड़ा। बल्लू, हमेशा ना मेरे बाबूजी का नाम लेके मुझे छेड़ते रहते हैं। बाजी, उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं ना उसी परिवार को हीरा दूंगा जिस परिवार में चढ़ाना होता हो। अच्छा, ओए चिंता न कर, कोयले की खान से तो हीरा निकलता है। इतनी छेती तो गिरगिट भी अपना रंगड़ी पसंद था।